पालन कर रहे थे। ये सब चलते हुए भी कुछ तो कोई तो व्यक्ति था जिसके कारण कुछ अलग ही भविष्य होने वाला था। उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। लगभग 3 से 4 अध्याय हैं जिसमें कैसे का सबसे पहले कैकेयी की ये जो बड़ी विशेष सेविका है जिसके साथ, हालांकि वो कैकेयी की सेविका है पर कैकेयी ने उसको इतना आदर प्रेम दिया है जैसे कि मानो वो उनकी माँ ही है। तो सेविका होते हुए भी अपना एक विशेष वात्सल्य रस कैकेयी उनके साथ अनुभव करती है और उसके द्वारा एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट इस रामायण में होता है। मैं 1 मिनट में आता हूँ, आप चालू रखिए। तो शायद ये इस भौतिक जगत का एक गुण यहाँ पर प्रकट कर रहा है क्योंकि तो ये लीला तो इस पृथ्वी पर ही हुई है कि नहीं, कि अशाश्वतम दुखालयम अशाश्वतम। ये संसार जो है ये दुखों से भरा हुआ है और ये बड़ा अशाश्वत है। एक एक अध्याय में एक एक व्यक्ति के अलग अलग भाव के ऊपर बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पर प्रकाश डाला हुआ है। इसमें शायद हमें सीखने के लिए बहुत सारे सबक या बहुत सारे पाठ या बहुत सारे लेसन्स मिलेंगे जिसका हम पूरा प्रयास करेंगे चर्चा करने का। तो ये श्लोक है जो हम शुरुआत में गाएंगे। आपके स्क्रीन पर वो श्लोक है, आप मेरे पीछे पीछे इसे दोहरा सकते हैं। न मे परम किंचिदितो, सॉरी ऐसा होगा वो, न मे परम किंचिदितो वर पुनः। प्रियं प्रियार्हे सुवचं वचोमृतम्। तथा योवोचस्त्वमतः प्रियोत्तरम् वरं परं ते प्रददामि तं वृणु। तो ये बड़ा सुंदर श्लोक, अब हम जिस सर्ग को पढ़ने वाले हैं उस सर्ग का ये 36वां श्लोक है जिसमें कैकेयी बड़े विशेष वचन मंथरा को कह रही है। मंथरे, तू मुझसे प्रिय वस्तु पाने के योग्य है। मेरे लिए श्री राम के अभिषेक संबंधी इस समाचार से बढ़कर दूसरा कोई प्रिय एवं अमृत के समान मधुर वचन नहीं कहा जा सकता। ऐसी परम प्रिय बात तुमने कही है, अतः अब यह प्रिय संवाद सुनाने के बाद तू कोई श्रेष्ठ वर मांग ले, मैं उसे अवश्य दूंगी। तो ये श्लोक प्रकट कर रहा है कि कैकेयी का श्री राम के प्रति कितना गाढ़ा प्रेम था। कैकेयी ने कभी भी श्री राम को भरत से अलग नहीं समझा। ये तीनों माताओं ने चारों पुत्रों के ऊपर इतना प्रेम किया था कि वो पुत्रों के लिए ये तीनों के तीनों माता एक ही लेवल के थे। यानी कितना बड़ा सौभाग्य है। आप देखिए, इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है जिसे एक माँ से जितना प्रेम मिलता है उतना ही प्रेम तीन माताओं से मिले। मगर ये जो तीन पुत्र हैं वो ऐसे बड़े विशेष पुत्र थे जिनको, सॉरी, ये जो चार पुत्र थे ये चार पुत्रों की तीन माताओं ने सबके ऊपर एक जैसा ही प्रेम किया। तो एक तो ये माताओं का श्रेष्ठता है और दूसरा ये पुत्रों की दिव्यता है क्योंकि चारों के चारों पुत्र कौन है, विष्णु के ही अवतार हैं। और ऐसा कहा जाता है कि हमारा परम प्रिय
पहचान, अगर अपनी असली परम सबसे बड़ी पहचान है तो वो पहचान यह है कि हम भगवान के सेवक हैं। हमारा अस्तित्व केवल भगवान की प्रसन्नता, भगवान की सेवा, भगवान के लिए ही हमारा पूरा जीवन है। इसलिए जब भी कोई जीवात्मा भगवान के संबंध में आ जाए तो उससे सबसे ज्यादा आनंद का अनुभव होता है, और वही आनंद का आदान प्रदान पूरी पूरी मात्रा में वह जीव भगवान के साथ प्रेम उल्लास के साथ करता है। इसलिए ये तीनों माता बड़ी प्रसन्न थी अपने चारों पुत्र से इस प्रकार से। तो ठीक है, आज के सर्ग में हम प्रवेश करेंगे। आज हम अयोध्या कांड के सप्तम सर्ग में प्रवेश कर रहे हैं। ये सप्तम अध्याय चल रहा है। श्री राम के अभिषेक का समाचार पाकर खिन्न हुई मंथरा का कैकेयी को उभारना, परंतु प्रसन्न हुई कैकेयी का उसे पुरस्कार रूप में आभूषण देना और वर मांगने के लिए प्रेरित करना। रानी कैकेयी के पास एक दासी थी जो उसके मायके से आई हुई थी। वह सदा कैकेयी के ही साथ रहा करती थी। उसका जन्म कहाँ हुआ था, उसके देश और माता पिता कौन थे, इसका पता किसी को नहीं था। अभिषेक से एक दिन पहले वह स्वेच्छा से ही कैकेयी के चंद्रमा के समान कांतिमान महल की छत पर जा चढ़ी। दासी का नाम मंथरा। उसने उस महल से देखा, अयोध्या की सड़कों पर छिड़काव किया गया है और सारी पुरी में यत्र तत्र खिले हुए कमल और उत्पल बिखेरे गए हैं। सब ओर बहुमूल्य पताकाएं फहरा रही है, ध्वजाओं से इस पुरी की अपूर्व शोभा हो रही है। राजमार्गों पर चंदन मिश्रित जल का छिड़काव किया गया है तथा अयोध्यापुरी के सब लोग उपटन लगाकर तीर के ऊपर से स्नान किए हुए हैं। श्री राम के दिए हुए माल्य और मोदक हाथ में लिए श्रेष्ठ ब्राह्मण हर्षनाद कर रहे हैं। देव मंदिरों के दरवाजे चूने और चंदन आदि से लिपकर सफेद एवं सुंदर बनाए गए हैं। सब प्रकार के बाजों की मनोहर ध्वनि हो रही है। अत्यंत हर्ष में भरे हुए मनुष्यों से सारा नगर परिपूर्ण है और चारों ओर वेद पाठकों की ध्वनि गूंज रही है। श्रेष्ठ हाथी और घोड़े हर्ष से उत्फुल्ल दिखाई देते हैं तथा गाय बैल प्रसन्न होकर रंभा रहे हैं। सारे नगर निवासी हर्ष जनित रोमांच से युक्त और आनंद मग्न हैं तथा नगर में सब ओर श्रेणीबद्ध ऊंचे ऊंचे ध्वज फहरा रहे हैं। अयोध्या की ऐसी शोभा को देखकर मंथरा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पास की कोठे पर राम की धाय को खड़े देखा। उसके नेत्र प्रसन्नता से खिले हुए थे और शरीर पर पीले रंग की रेशमी साड़ी शोभा पा रही थी। उसे देखकर मंत्रा ने उससे पूछा, धाय, धाय यानी सेविका, दाई, जो जिसे अभी मराठी में आया कहते हैं और संस्कृत में शायद दाही कहते हैं। धाय,
धात्री, संस्कृत में धात्री और हिंदी में धाय कहते हैं। धाय, आज श्री रामचंद्र जी की माता अपने किसी अभीष्ट मनोरथ के साधन में तत्पर हो अत्यंत हर्ष में भरकर लोगों को धन क्यों बांट रही है? आज यहाँ के सभी मनुष्यों को इतनी अधिक प्रसन्नता क्यों है? इसका कारण मुझे बताओ। आज महाराज दशरथ अत्यंत प्रसन्न होकर कौन सा कर्म कराएंगे? श्री राम की धाय तो हर्ष से फूली नहीं समाती थी। उसने कुब्जा के पूछने पर बड़े आनंद के साथ उसे बताया, कुब्जे, रघुनाथ जी को बहुत बड़ी संपत्ति प्राप्त होने वाली है। कल महाराज दशरथ पुष्य नक्षत्र के योग में क्रोध को जीतने वाले पाप रहित रघुकुल नंदन श्री राम को युवराज पद पर अभिषिक्त करेंगे। धाय का यह वचन सुनकर कुब्जा मन ही मन उड़ गई और उस कैलाश शिखर की भांति उज्जवल एवं गगनचुंबी प्रासाद से तुरंत ही नीचे उतर गई। मंथरा को इसमें कई कई का अनिष्ट दिखाई देता था। वह क्रोध से जल रही थी। उसने महल में लेटी हुई कैकेयी के पास जाकर इस प्रकार कहा, मूर्खे उठ, क्या सो रही है? तुझ पर बड़ा भारी भय आ रहा है। अरे, तेरे ऊपर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा है, फिर भी तुझे अपनी इस दुरावस्था का बोध नहीं होता? तेरे प्रियतम तेरे सामने ऐसा आकर बनाए आते हैं मानो सारा सौभाग्य तुझे ही अर्पित कर देते हो, परंतु पीठ पीछे वे तेरा अनिष्ट करते हैं। तू उन्हें अपने में अनुरक्त जानकर सौभाग्य की डींग हाका करती है, परंतु जैसे ग्रीष्म ऋतु में नदी का प्रवाह सूखता चला जाता है, उसी प्रकार तेरा वह सौभाग्य अब अस्थिर हो गया है, तेरे हाथ से चला जाना चाहता है। इष्ट में भी अनिष्ट का दर्शन कराने वाली रोष भरी कुब्जा के इस प्रकार कठोर वचन कहने पर कैकेयी के मन में बड़ा दुख हुआ। उस समय कैकेयी राजकुमारी ने कुब्जा से पूछा, मंथरे, कोई अमंगल की बात तो नहीं हो गई? क्योंकि तेरे मुख पर विषाद छा रहा है और तू मुझे बहुत दुखी दिखाई देती है। मंथरा बातचीत करने में बड़ी कुशल थी। वहां कैकेयी के मीठे वचन सुनकर और भी खिन्न हो गई। उसके प्रति अपनी हितैषिता प्रकट करती हुई कुपित हो उठी और कैकेयी के मन में श्री राम के प्रति भेदभाव और विषाद उत्पन्न करती हुई इस प्रकार बोली, देवी, तुम्हारे सौभाग्य के महान विनाश का कार्य आरंभ हो गया है, जिसका कोई प्रतिकार नहीं है। कल महाराज दशरथ श्री राम को युवराज के पद पर अभिषिक्त कर देंगे। यह समाचार पाकर मैं दुख और शोक से व्याकुल हो घात भय के समुद्र में डूब गई हूँ। चिंता की आग से मानो जली जा रही हूँ और तुम्हारे हित की बात बताने के लिए यहाँ आई हूँ। कैकेयी नंदिनी, यदि तुम पर कोई दुख आया तो उससे मुझे भी बड़ा बड़े धा कैकेयी नंदिनी यदि तुम पर कोई दुख आया तो उससे मुझे भी बड़े ही में मेरी भी उन्नति है, इसमें संशय नहीं है। देवी, तुम राजाओं के कुल में उत्पन्न हुई हो और एक महाराज की महारानी हो, फिर भी राजधर्मों की उग्रता को कैसे नहीं समझ रही? तुम्हारे स्वामी धर्म की बातें तो बहुत करते हैं, परंतु है बड़े शठ, मुंह से चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं,
परंतु हृदय के बड़े क्रूर हैं। तुम समझती हो कि वे सारी बातें शुद्ध भाव से ही कहते हैं, इसीलिए आज उनके द्वारा तुम बेतरह ठगी गई। तुम्हारे पति तुम्हें व्यर्थ सांत्वना देने के लिए यहाँ उपस्थित होते हैं, वे ही अब रानी कौशल्या को अर्थ से संपन्न करने जा रहे हैं। उनका हृदय इतना दूषित है कि भरत को तो उन्होंने तुम्हारे मायके भेज दिया, और कल सवेरे ही अवध के निष्कंटक राज्य पर वे विराम का अभिषेक करेंगे। बाले, जैसे माता हित की कामना से पुत्र का पोषण करती है, उसी प्रकार पति कहलाने वाले जिस व्यक्ति का तुमने पोषण किया है, वह वास्तव में शत्रु निकला। जैसे कोई अज्ञानवश सर्प को अपनी गोद में लेकर उसका लालन करे, उसी प्रकार तुमने उन सब करने वाले अपने अंक में अपेक्षित शत्रु अथवा सर्प जैसा बर्ताव कर सकता है। राजा दशरथ ने आज पुत्र सहित तुच्छ कैकेयी के प्रति वैसा ही बर्ताव किया है। बाले, तुम सदा सुख भोगने के योग्य हो, परंतु मन में पाप रखकर ऊपर से झूठी सांत्वना देने वाले महाराज ने अपने राज्य पर श्री राम को स्थापित करने का विचार करके आज सगे संबंधियों सहित तुमको मानो मौत के मुख में डाल दिया है। कैकेयी राजकुमारी, तुम दुखजनक बात सुनकर भी मेरी ओर इस तरह देख रही हो मानो तुम्हें प्रसन्नता हुई हो और मेरी बातों से तुम्हें विस्मय हो रहा हो। परंतु यह विस्मय छोड़ो और जिसे करने का समय आ गया है, अपने उस हितकर कार्य को शीघ्र करो तथा ऐसा करके अपनी, अपने पुत्र की और मेरी भी रक्षा करो। मंथरा की यह बात सुनकर सुंदर मुख वाली कैकेयी सहसा शैया से उठ बैठी। उसका हृदय हर्ष से भर गया। वह शरद पूर्णिमा के चंद्रमंडल की भांति उद्दीप्त हो उठी। मंथराया वच श्रुत्वा चयनात् सा शुभानना उत्तस्थो हर्ष संपूर्णा चंद्रलेखे वशारथी। अगला श्लोक। कैकेयी मन ही मन अत्यंत संतुष्ट हुई। विस्मय विमुग्ध हो मुस्कुराते हुए उसने कुब्जा को पुरस्कार के रूप में एक बहुत सुंदर दिव्य आभूषण प्रदान किया। कुब्जा को वह आभूषण देकर हर्ष से भरी हुई रमणी शिरोमणि कैकेयी ने पुनः मंथरा से इस प्रकार कहा, मंथरे, यह तूने मुझे बड़ा ही प्रिय समाचार सुनाया। तूने मेरे लिए जो यह प्रिय संवाद सुनाया, इसके लिए मैं तेरा और कौन सा उपकार करूं? मैं भी राम और भरत में कोई भेद नहीं समझती, अतः यह जानकर कि राजा श्री राम का अभिषेक करने वाले हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई। और फिर इस अध्याय का जो अंतिम श्लोक है, वो हमने आज शुरुआत में पढ़ा था। वो श्लोक इस प्रकार से है, नमे परम किंचितो वर पुनः प्रियं प्रियार्हे सुवचं वचो मृतम् ततायुवोचस्त्वमतः प्रियोत्तरम् वरम परम ते प्रददामि तं वृणु। मंथरे, तू मुझसे प्रिय वस्तु पाने के योग्य है। मेरे लिए श्री राम के अभिषेक संबंधी समाचार से बढ़कर दूसरा कोई प्रिय एवं अमृत के समान मधुर वचन नहीं कहा जा सकता। ऐसी परम प्रिय बात तुमने कही है, अतः अब यह प्रिय संवाद सुनाने के बाद तू कोई श्रेष्ठ वर मांग ले, मैं उसे अवश्य दूंगी। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में सातवां सर्ग पूरा हुआ। मैं आपसे 1 से 2 मिनट का समय मांगता हूं। मैं 1-2 मिनट
मिनट में फिर से आऊंगा। तो शास्त्रों में बहुत जगह पर आपने भी प्रवचन सुने होंगे पहले, ये जो मंथरा है, मंथरा हमारे मन का प्रतिनिधि है, हमारे मन को प्रकट करती है मंथरा। ये मंथरा का इतिहास बड़ा विशेष है। मंथरा इस जगत की स्त्री नहीं थी, मंथरा ये देवी देवताओं की एक बड़ी विशेष सेविका थी। इसीलिए आपने आज के अध्ययन पढ़ रहे थे कि जहां पर मंथरा के जन्म स्थान, माता पिता या परिवार का विषय आता है, इसका कहीं पे भी कोई वर्णन नहीं है। तो ये देवों की विशेष दूत थी, सेविका थी, क्योंकि देवी देवता बड़े रावण के कहर से संतप्त थे, इसलिए प्रभु रामचंद्र जी को जल्दी जल्दी रावण का विनाश कराने के लिए उन्हें उद्युक्त कराना था, और इसलिए इस मंथरा को भेजा गया। और ये मंथरा कैकेयी के हृदय में द्वेष, ईर्ष्या और असुरक्षा का बीज घोलती है, और जिसके कारण प्रभु रामचंद्र जी को वन में जाना पड़ता है। तो आप देखिए यहाँ पर ये पूरे अध्याय में हालांकि मंथरा उल्टी सीधी बातें कर रही है, फिर भी उससे कैकेयी जो है वो बिल्कुल प्रभावित नहीं हुई है कि नहीं? इस प्रकार से तो आप देखिए, जब हम भक्तिमय जीवन में आते हैं तो हमारी भी अवस्था कुछ कुछ इस कैकेयी के जैसे रहती है। जब भक्ति में हम आते हैं बड़े उत्साह से, हरे कृष्ण का जप पकड़े शुरू कर देते हैं, है कि नहीं? भक्तों के संग में आते हैं, मंदिर में जब भी प्रवेश करते हैं तो जहां दिखते हैं हमें दिव्यता ही दिखती है। जो भी भक्तों का दर्शन करते हैं तो वो भक्तों को हमें ऐसा श्रद्धा होता है कि ये सब भक्त यानी भगवान के शुद्ध भक्ति है कि नहीं? खास करके जब हम साधु लोगों को देखते हैं तो हमें तो लगता है कि ये लोग तो खास हमारे लिए वैकुंठ से ही उतर कर नीचे आए हैं, है कि नहीं? इस प्रकार से ऐसा हमारे भाव बड़े कोमल रहते हैं, हमारी श्रद्धा बड़ी शुद्ध रहती है। यहाँ तक कि परम पूज्य भक्ति विद्यापूर्ण महाराज नियमित से सुनता हूँ, ये जो परम पूज्य भक्ति विद्यापूर्ण स्वामी महाराज है, ये अपने इस्कॉन मायापुर का जो गुरुकुल है, यहाँ पर पूरे विश्व के भक्तों के बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं, वहाँ के वो प्रमुख हैं। वो श्रील प्रभुपाद जी के ही शिष्यों में से एक है, और शास्त्रों
शास्त्रों का बहुत अच्छे से उन्होंने पढ़ाई किया है। तो भक्ति विद्या पूर्ण महाराज कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति भक्ति में आता है तो उसके भक्तिमय जीवन के पहले 3 से 4 साल वो जिस प्रकार से भगवान की भक्ति करता है, उसकी जो शुद्धता है उसका कहना ही क्या। उनकी तीव्रता इतनी अच्छी रहती है, वो भगवान को इतनी अच्छे तरह से सेवा पूजा करते हैं और भगवान को प्रसन्न करने के लिए भरकस प्रयास करते हैं। आप देखेंगे कि हमारे भी भक्तिमय जीवन में शुरुआत के 3-4 साल हम सभी भक्तों का बहुत परम आदर करते हैं। हमें कोई भी अगर कुछ कोई भी भक्त कुछ भी सेवा दे दे, बड़े प्रसन्न हो जाते हैं कि हमें लगता है अरे वाह, हमें भी कुछ सेवा करने का अवसर मिला है कि नहीं। अगर भागवतम सुनने को मिल रहा है तो हमें ऐसा लगता है कि अरे वाह, भागवतम क्लास में बैठ गया तो कथा करने वाले सुखदेव गोस्वामी लगते हैं और हमें अपने आप को हम परीक्षित महाराज समझ लेते हैं, है कि नहीं। तो बड़ा उत्साह रहता है, बड़ी श्रद्धा रहती है, बड़ी तीव्रता रहती है, बड़ा जोश रहता है भक्ति के शुरुआत के दिनों में। फिर हम जप करने लगते हैं, फिर कभी कभी मंदिर में मंगल आरती को भी आ जाते हैं, फिर भक्तों के साथ जप के लिए भी बैठ जाते हैं, है कि नहीं। कभी कभी कोई हमें भगवान का संदेश या रसगुल्ला महाप्रसाद भी खिला देता है कि नहीं। भगवान का चरणामृत मिलता है, भगवान को अर्पित किए गए हुए चंपा या गुलाब के फूल हमें कोई दे देता है, या भगवान ने पहनी हुई माला भी हमें कभी मिल जाती है। भगवान के चरण कमलों को अर्पित की गई तुलसी भी हमें चंदन के साथ मिल जाती है। अभी तो चंदन यात्रा का समय है कि नहीं। तो भगवान को अर्पित किया गया हुआ चंदन भी हर दूसरे दिन गुरु पूजा के बाद हमारे कपाल पर या हमारे फोरहेड के ऊपर लगाया जाता है कि नहीं। भगवान को चंदन लगाना है तो वो चंदन घिसने की सेवा भी हमें मिल जाती है। कितनी सारी कृपा हमारे भक्तिमय जीवन में, कृपा की बौछार आती है, वर्षा होती है कि नहीं। कृपा के समंदर में हम गोते लगाते हैं इस प्रकार से। अगर दुर्भाग्य तब शुरू हो जाता है, जैसा एक संस्कृत में सुभाषित है, अति परिचया तवज्ञा संतत गमना दनादरो भवति मलये भिन्न पुरंधरी चंदनम तरु काष्टम विंदनम कुरुते। अर्थात अति परिचयात अवज्ञा, जहां पर भी हम ज्यादा जाने लगते हैं या किसी व्यक्ति के साथ बहुत ज्यादा मित्रता कर लेते हैं तो क्या होता है, जितनी ज्यादा मित्रता होगी उतना फिर एक दूसरे का अपमान होने लगता है, एक दूसरे की टांग खींचना चालू हो जाता है और एक दूसरे का कुछ बोला बताया भी कि अरे ये आपके लिए अच्छा नहीं है तो दूसरा सुनता नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा परिचय हो गया है कि नहीं। जैसे भगवद गीता में, महाभारत में अर्जुन और कृष्ण की जो साक्ष्य रस था या जो उनकी दोस्ती थी वो इतनी प्रेम की थी कि कभी कभी रात को सोते थे तो अर्जुन का पैर कृष्ण के छाती के ऊपर रहते थे, इस प्रकार से वो सो जाते थे। तो ऐसी उनकी मित्रता थी। जब भगवत गीता का समय आ गया तो भगवान हंसने लगे कि अरे ये अर्जुन क्या उल्टी सीधी बातें कर रहा है। मगर जब अर्जुन बोलता है भगवान को, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि, ऐसा है, मुझे पूरा श्लोक अभी याद नहीं आ रहा है, मगर वो कहते कि मैं पारिवारिक आसक्ति से मेरा पूरा शरीर जल रहा है और मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। पृच्छामि त्वाम धर्मो समूढ चेता यश्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहितन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वाम प्रपन्नम्। और सारी दोस्ती मैत्री की साक्ष्य रस की जो प्रेम का संबंध है उसे अर्जुन त्याग कर देता है, भगवान के चरणों में गिर जाता है और बोलता है कि कृष्णा
आप मुझे कृपा करके आपका शिष्य करके स्वीकारो। तो अभी हंसने वाले थे भगवान कि अरे क्या मूर्खता की बात कर रहा है। मगर जैसे ही शिष्य बन जाता है तो वहीं पे वर्णन आता है कि भगवान अपने हंसी को उधर ही दबा लेते हैं, क्योंकि तो अभी ये तो शरण आ गया है, अभी इसके साथ हंसी मजाक में कैसे करूं, है कि नहीं। तो उसी प्रकार यहाँ पर चर्चा हम ये कह रहे हैं कि जब भी भक्तों के साथ बहुत ज्यादा पहचान होने लगती है, भक्त बड़े नम्रता से हमें प्रेम आदान प्रदान करते हैं, तो हम लोग अपने आप को भी 30 मार का समझना लगते हैं, है कि नहीं। हमें भी लगता है कि अरे हम भी कुछ कम नहीं, है कि नहीं। जैसा वो हिंदी सिनेमा में एक गाना है कि नहीं, देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, और तुम्हारे भक्त जनों में हमसे बढ़कर कौन। तो इस प्रकार से अहंकार का विष अपने हृदय में घोलने लगता है और फिर हम स्पर्धा करने लगते हैं कि अरे मैं भक्ति में आके 6 महीना हो गया, तू आया तो तुझे अभी 4 महीना ही हो गया है, मैं सीनियर हूँ, जब भी मुझे दिखेगा तो मुझे दंडवत करने का, है कि नहीं। इस प्रकार से हम एक दूसरे को प्रभु करके बुलाते हैं या माता जी करके बुलाते हैं। तो याद रख, मेरा प्लेन नाम नहीं लेने का, मुझे भी प्रभु और माता जी कहना, है कि नहीं। इस प्रकार से जो समाज में भक्ति में आने से पहले परिवार समाज, यहाँ पर जैसे हम अपने आप को बड़ा स्थापित करने के लिए प्रयास करते थे और श्रेष्ठ स्थापित करने के लिए उल्टा सीधा कुछ भी कसरत कर देते थे, है कि नहीं। धन कमाने के लिए या पढ़ाई करने और कुछ कुशलता या कर्तव्य दिखाने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते थे, और वही सर्कस हमारा भक्तों के संग में भी चालू हो जाता है। क्यों क्यों ये मन जो है मंथरा का जैसा, वो हमारे हृदय में जहर घुलाता है, कहता है कि आपको अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करनी चाहिए। और यही यहाँ पर मंथरा कैकेयी को बताती है। तो हम अगले अध्याय को शुरू करेंगे। अष्टम सर्ग। मंथरा का पुनः श्री राम के राज्याभिषेक को कैकेयी के लिए अनिष्टकारी बताना। कैकेयी का श्री राम के गुणों को बताकर उनके अभिषेक का समर्थन करना। तत्पश्चात कुब्जा का पुनः श्री राम राज्य को भरत के लिए भयजनक बताकर कैकेयी को भड़काना। मंथरा त्वभ्यसूये नाम उत्सृणम हि तत् उवाचेदं ततो वाक्यं कोप दुख समन्विता। तो यहाँ पर प्रवेश करने से पहले और एक बात बताना चाहूंगा कि इसमें मंथरा ये भी बता देती है पिछले अध्याय में, ये देखिए जहाँ पर आपका विकास है, जहाँ पर आपका धन है, वहां पर मैं सुखी रहूंगी। आप अगर गरीबी या क्या बोलेंगे, आप अगर दीनता को प्राप्त हो जाएंगे तो मेरे भी दिन खराब हो जाएंगे। तो इसका अर्थ स्पष्ट है, मंथरा अपने स्वार्थ के लिए कैकेयी को भड़का रही है। उसकी इच्छा है कि मेरा भी आदर सत्कार अच्छा होना चाहिए, कैकेयी के बाद मेरा ही नंबर लगना चाहिए। तो जो कुछ उपदेश मंथरा सुना रही है वो स्वार्थ से प्रेरित है। उसी प्रकार हमारा मन भी भक्तों के समाज में जो भौतिकतावादी चेतना लाता है, क्योंकि मन को लगता है कि मैंने भगवान बनना है, तो हमें भगवान बनाने के पीछे मन लग जाता है। यह सुनकर मंथरा ने कैकेयी की निंदा करके उसके दिए हुए आभूषण को उठाकर फेंक दिया, और कोप तथा दुख से भरकर वह इस प्रकार बोली, रानी तुम बड़ी नादान हो, अहो तुमने यह बेमौके हर्ष किस लिए प्रकट किया? तुम्हें शोक के स्थान पर प्रसन्नता कैसी हो रही है? अरे तुम शोक के समुद्र में डूबी हुई हो तो भी तुम्हें अपनी इस विपन्नावस्था का बोध नहीं हो रहा है? देवी महान संकट में पड़ने पर जहां तुम्हें शोक होना चाहिए वहीं हर्ष हो रहा है। तुम्हारी यह अवस्था देखकर मुझे मन ही मन बड़ा
क्लेश सहन करना पड़ता है। मैं दुख से व्याकुल हो जाती हूँ। मुझे तुम्हारी दुर्बुद्धि के लिए ही अधिक शोक होता है। अरे, सौत का बेटा शत्रु होता है। वह सौतेली माँ के लिए साक्षात मृत्यु के समान है। भला उसके अभ्युदय का अवसर आया देख, कौन बुद्धिमती स्त्री अपने मन में हर्ष मानेगी? यह राज्य भरत और राम दोनों के लिए साधारण भोग्य वस्तु है। इस पर दोनों का समान अधिकार है। इसलिए श्री राम को भरत से ही भय है। यही सोचकर मैं विषाद में डूबी जाती हूँ, क्योंकि भयभीत से ही भय प्राप्त होता है। अर्थात आज जिसे भय है, वही राज्य प्राप्त कर लेने पर जब सबल हो जाएगा, तब अपने भय के हेतु को उखाड़ फेंकेगा। महाबाहु लक्ष्मण संपूर्ण हृदय से श्री रामचंद्र जी के अनुगत है। जैसे लक्ष्मण श्री राम के अनुगत है, वैसी तरह शत्रुघ्न भी भरत का अनुसरण करने वाले हैं। भामिनी, उत्पत्ति के क्रम से श्री राम के बाद भरत का ही पहले राज्य पर अधिकार हो सकता है। अतः भरत से होना स्वाभाविक है। लक्ष्मण और शत्रुघ्न तो छोटे हैं, अतः उनके लिए राज्य प्राप्ति की संभावना दूर है। श्री राम समस्त शास्त्रों के ज्ञाता है, विशेषतः क्षत्रिय चरित्र राजनीति के पंडित है, तथा समय योचित कर्तव्य का पालन करने वाले हैं। अतः उनका तुम्हारे पुत्र के प्रति जो क्रूरतापूर्ण बर्ताव होगा, उसे सोचकर मैं भय से कांप उठती हूँ। वास्तव में कौशल्या ही सौभाग्यशाली है, जिनके पुत्र का कल पुष्य नक्षत्र के योग में श्रेष्ठ ब्राह्मणों द्वारा युवराज के महान पद पर अभिषेक होने जा रहा है। वे भूमंडल का निष्कंटक राज्य प्राप्त कर कर प्रसन्न होंगे, क्योंकि वे राजा की विश्वास पात्र है और तुम दासी की भांति हाथ जोड़कर उनकी सेवा में उपस्थित होगी। इस प्रकार हम लोगों के साथ तुम भी कौशल्या की दासी बनोगी और तुम्हारे पुत्र भरत को भी श्री रामचंद्र जी की गुलामी करनी पड़ेगी। श्री रामचंद्र जी के अंतपुर की परम सुंदर स्त्रियां सीता देवी और उनकी सखियां निश्चय ही बहुत प्रसन्न होंगी, और भरत के प्रभुत्व का नाश होने से तुम्हारी बहुएं शोकमग्न हो जाएंगी। मंथरा को अत्यंत अप्रसन्नता के कारण इस प्रकार बहकी बहकी बातें करती देख देवी कैकेयी ने श्री राम के गुणों की ही प्रशंसा करते हुए कहा, धर्मज्ञो गुणवान दान्त कृतज्ञ सत्यवान शुचि रामो राजसुतो ज्येष्ठो यौवराज्यं मतोर्हति। अर्थात कुब्जे, श्री राम धर्म के ज्ञाता, गुणवान, जितेंद्रिय, कृतज्ञ, सत्यवादी और पवित्र होने के साथ ही महाराज के ज्येष्ठ पुत्र है, अतः युवराज होने के योग्य वे ही हैं। वे दीर्घजीवी होकर अपने भाइयों और भृत्यों का पिता की भांति पालन करेंगे। कुब्जे, उनके अभिषेक की बात सुनकर तू इतनी जल क्यों रही है? श्री राम की राज्य प्राप्ति के 100 वर्ष बाद नरश्रेष्ठ भरत को भी निश्चय ही अपने पिता पितामहों का राज्य मिलेगा। मंथरे, ऐसे अभ्युदय की प्राप्ति के समय जबकि भविष्य में कल्याण ही कल्याण दिखाई दे, तू इस प्रकार जलती हुई सी संतप्त क्यों हो रही है? मेरे लिए जैसे भरत आदर के पात्र है, वैसे ही बल्कि उनसे भी बढ़कर श्री राम है, क्योंकि वे कौशल्या से भी बढ़कर मेरी बहुत सेवा किया करते हैं। यदि श्री राम को राज्य मिल रहा है, तो उसे भरत को मिला हुआ समझ, क्योंकि श्री रामचंद्र अपने भाइयों को भी अपने ही समान समझते हैं। कैकेयी की यह बात सुनकर मंथरा को बड़ा दुख हुआ। वह लंबी और गर्म सांस खींचकर कैकेयी से बोली, रानी, तुम मूर्खतावश अनर्थों को ही अर्थ समझ रही हो। तुम्हें अपनी स्थिति का पता नहीं है। तुम दुख के उस महासागर में डूब रही हो जो शोक
और व्यसन से महान विस्तार को प्राप्त हो रहा है। कैकेयी राजकुमारी जब श्री रामचंद्र राजा हो जाएंगे तब उनके बाद उनका जो पुत्र होगा उसी को राज्य मिलेगा। भरत जो राज परंपरा से अलग हो जाएंगे। भामिनी राजा के सभी पुत्र राज्य सिंहासन पर नहीं बैठते हैं। यदि सबको बिठा दिया जाए तो बड़ा भारी अनर्थ हो जाए। परम सुंदरी कैकेयी नंदिनी, इसीलिए राजा लोग राजकाज का भार ज्येष्ठ पुत्र पर ही रखते हैं। यदि ज्येष्ठ पुत्र गुणवान न हो तो दूसरे गुणवान पुत्रों को भी राजा सौंप देते हैं। पुत्र वत्सले, तुम्हारा पुत्र राज्य के अधिकार से तो बहुत दूर हटा ही दिया जाएगा, वह अनाथ की भांति समस्त सुखों से भी वंचित हो जाएगा। इसलिए मैं तुम्हारे ही हित की बात सुझाने के लिए यहाँ आई हूं, परंतु तुम मेरा अभिप्राय तो समझती नहीं, उल्टे सौत का अभ्युदय सुनकर मुझे पारितोषिक देने चली हो। तो ये देखिए, बड़े बुद्धिमत्ता पूर्ण, बड़ी राजनीति और कूटनीति के साथ ये मंथरा यहाँ पर अलग अलग शब्दों का उपयोग कर रही है कि नहीं? वो कह रही है, ये नहीं कह रही वो कि अरे राम राजा बनेगा इसलिए आपको कुछ कष्ट होगा, ऐसी नहीं कह रही। पर वो क्या कह रही है, आपकी सौत महारानी बनेगी। तो स्त्रियों का ये स्वाभाविक थोड़ा स्वभाव रहता है कि वे आपस में बड़ी स्पर्धा करती हैं। पुरुषों की तुलना में स्त्रियां आपस में ज्यादा स्पर्धा करती हैं। तो कृपा करके किसी स्त्रियों को या माताओं को हम कुछ दुख यहाँ पर देना नहीं चाहते या उनको कुछ निंदा नहीं करना चाहते, ये स्वभाव के बारे में बता रहे हैं। तो इसके कारण यह मंथरा को अच्छी तरह से पता है, इसलिए वो कैकेयी को कह रही है कि आपकी सौत को बहुत बड़ा भाग्य मिलने वाला है, उसका कुछ करना चाहिए। इस प्रकार से याद रखो, यदि श्री राम को निष्कंटक राज्य मिल गया तो वे भरत को अवश्य ही इस देश से बाहर निकाल देंगे, अथवा उन्हें परलोक में भी पहुंचा सकते हैं। इसका अर्थ है, वो कह रही है कि आपके पुत्र की हत्या भी कर सकते हैं। छोटी अवस्था में ही तुमने भरत को मामा के घर भेज दिया, निकट रहने से सौहार्द उत्पन्न होता है। यह बात स्थावर योनियों में भी देखी जाती है। उदाहरणार्थ, लता और पेड़ आदि एक दूसरे के निकट होने पर परस्पर आलिंगन पाश में बद्ध हो जाते हैं। यदि भरत यहाँ होते तो राजा का उन्हें समान रूप होता, उन्हें राज्य तो देते, मगर आपने बचपन से ही आपके पुत्र को ज्यादा समय अपने मामा के पास ही रखा, इसलिए दशरथ महाराज का भी भरत से स्नेह कम हो गया। भरत के अनुरोध से शत्रुघ्न भी उनके साथ ही चले गए। यदि वे यहाँ होते तो भरत का काम बिगड़ने नहीं पाता, क्योंकि जैसे लक्ष्मण राम के अनुगामी हैं, उसी प्रकार शत्रुघ्न भी भरत का अनुसरण करने वाले हैं। सुना जाता है, जंगल की लकड़ी बेचकर जीविका चलाने वाले कुछ लोगों ने वृक्ष को काटने का निश्चय किया, परंतु वह वृक्ष कंटीली झाड़ियों से घिरा हुआ था, इसीलिए वे उसे काट नहीं सके। इस प्रकार उन कंटीली झाड़ियों ने निकट रहने के कारण उस वृक्ष को महान भय से बचा लिया। उसी प्रकार सुमित्रा कुमार लक्ष्मण श्री राम की रक्षा करते हैं और श्री राम उनकी, उन दोनों का उत्तम भ्रातृ प्रेम दोनों अश्विनी कुमारों के भांति तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसलिए श्री राम लक्ष्मण का तो किंचित भी अनिष्ट नहीं करेंगे, परंतु भरत का अनिष्ट के बिना वे रह नहीं सकते, इसमें संशय नहीं है। तो ये देखिए, जब हमारा मन हमें गलत दिशा में लेके जाता है तो वो शुरुआत जो वास्तविक सत्य वहां से करता है,
तो यहाँ पे देखिए मंथरा एक चीज कैकेयी को बताती है कि देखिए ये राज्याभिषेक हो रहा है तो आपके पुत्र यहाँ पे है क्या? नहीं है। तो ये वास्तविक था, ये सच था। फिर वे कहती है कि आपने भी गलती किया, बचपन से उनको हमेशा मामा के घर भेजते रहे, तो वो भी एक वास्तव है, गलती किया वो तो नहीं वास्तव, अगर बचपन से वो मामा के यहाँ पे भेज जाते थे। तो इस प्रकार से मंत्रा धीरे 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 करके कैकेयी के मन के ऊपर हावी हो रही है। इस प्रकार से कुछ वास्तविक सत्य बता रही है। इसी प्रकार आप देखेंगे भक्तों के समाज में या इंद्रिय तृप्ति के आकर्षण में जब हम लगते हैं तो सबसे पहले मन हमें कुछ वास्तविक सत्य बताता है। जैसे पहले बताता है कि अरे अपने आप को बहुत बड़े चढ़े भक्त समझते हो, अगर आपका जीवा के ऊपर नियंत्रण ही कितना है, इच्छा अनर्थ तो आपको हमेशा ऊपर नीचे नचाते ही है कि नहीं? तो क्यों अगर हम अगर भक्ति में बहुत ज्यादा प्रगति नहीं किए हैं तो क्यों दिखावा करने का, इंद्रिय के ऊपर नियंत्रण रखने का? एक भक्त ने प्रामाणिक होना चाहिए, और प्रामाणिक होना चाहिए इसका मतलब क्या है? आपको अगर इंद्रिय तृप्ति का कोई अवसर मिल गया है तो उस समय पे ज्यादा सोचना नहीं चाहिए कि मैं इंद्रिय तृप्ति करूँ कि नहीं। प्रामाणिक बने रहो और क्या करो, इंद्रिय तृप्ति करो। इस प्रकार से मन हमें पतन की दिशा में भटकाता है। अतः श्री रामचंद्र महाराज के महल से सीधे वन को चले जाए, मुझे तो यही अच्छा जान पड़ता है, और इसी में तुम्हारा परम हित है। यदि भरत धर्मानुसार अपने पिता का राज्य प्राप्त कर लेंगे तो तुम्हारा और तुम्हारे पक्ष के अन्य सब लोगों का भी कल्याण होगा। तो अन्य सब लोग यानी ये मैडम मंथरा ही है, उनको अपना कल्याण करना है सबसे पहले। सौतेला भाई होने के कारण जो श्री राम का सहज शत्रु है वह सुख भोगने के योग्य तुम्हारा बालक भरत राज्य और धन से वंचित हो राज्य पाकर समृद्धशाली बने हुए श्री राम के वश में पड़कर कैसे जीवित रहेगा? जैसे वन में सिंह हाथियों के युत्पत्ति पर आक्रमण करता है वह भागा फिरता है, उसी प्रकार राजा राम भरत का तिरस्कार करेंगे, अतः उस तिरस्कार से तुम भरत की रक्षा करो। तुमने पहले पति का अत्यंत प्रेम प्राप्त होने के कारण घमंड में आकर जिनका अनादर किया था वे ही तुम्हारी सौत श्री राम माता कौशल्या पुत्र की राज्य प्राप्ति से परम सौभाग्यशालिनी हो उठी है, अब वे तुमसे अपने वैर का बदला क्यों नहीं लेंगी? भामिनी, जब श्री राम अनेक समुद्रों और पर्वतों से युक्त समस्त भूमंडल का राज्य प्राप्त कर लेंगे तब तुम अपने पुत्र भरत के साथ ही दीनहीन होकर अशुभ पराभव का पात्र बन जाओगी। और अंतिमता इस अध्याय का अंतिम श्लोक मंथरा कहती है, तो आप देख सकते हैं, मेरे पीछे पीछे दोहरा सकते हैं। यदा ही राम पृथ्वीम अवाप्स्यते ध्रुवं प्रणष्टो भरतो भविष्यति, अतो हि संचिन्तय राज्यमात्मजे परस्य चैवास्य विवाह सकारणम्। अर्थात याद रखो जब श्री राम इस पृथ्वी पर अधिकार प्राप्त कर लेंगे तब निश्चय ही तुम्हारे पुत्र भरत नष्ट हो जाएंगे, अतः ऐसा कोई उपाय सोचो जिससे तुम्हारे पुत्र को तो राज्य मिले और शत्रुभूत श्री राम का वनवास हो जाए। इस प्रकार से मंथरा कैकेयी को उकसा रही है, उनके मन में असुरक्षितता ईर्ष्या द्वेष के अनर्थों को जगा रही है। उसी प्रकार हम देखेंगे हमारा मन हमें सताता है। हमारा मन हमें सबसे पहले क्या करता है, जब भी हम भक्ति करने लगते हैं
तो अपन हमारे मन को तो भक्त नहीं होना है ना, जैसे वैष्णव गीता है, दुष्टम तुम्हें किसे वैष्णव, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने लिखा हुआ ये वैष्णव गीत है। तो हमारा जो मन है, जब हमें तो भक्ति करने के लिए बहुत अच्छा लगता है, मगर इस मन ने लाखों करोड़ों जन्म इंद्र तृप्ति के विविध विविध कार्य संपन्न किए हैं, इसलिए मन तुरंत तैयार नहीं होता है। मन को बड़ा समझाना बुझाना होता है, बाद में धीरे धीरे वो सुधारने की कुछ आशा है। आज की तारीख में कई वर्षों तक हमें ये मन इंद्र तृप्ति के मार्ग के ले के मार्ग के ऊपर लेके जाएगा, हमें गलत कार्य में प्रवृत्त कराएगा। और जब हम कुछ गलत कार्य कर दे, पाप कार्य कर ले, या इंद्रिय भोग में लग जाए, तो फिर बोलेगा, अपने आप को तो बहुत बढ़ा चढ़ा भक्त समझते हो, अभी तो लग गए ना इंद्रिय तृप्ति में, अभी तो हो गया ना आपका पतन, छोटा हो बड़ा हो पतन तो पतन ही है। और इस प्रकार मन हमें भक्ति करने के सारे प्रेरणा के अवसरों से दूर लेके जाएगा। इसीलिए एक भक्त के लिए बड़ा आवश्यक है कि अपने मन की तरफ ध्यान न देते हुए अपने इंद्रियों को, अपने शरीर को भगवान की सेवा में लगाना। और यही मन को भी हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, जैसे गोविंद दास कहते हैं, भजहु रे मना श्री नंद नंदना अभय चरणारा। तो इस प्रकार से हम हमारे मन को भगवान के विशेष सेवा पूजा में लगा सकते हैं विविध कार्य से। जैसे मुकुंद माला स्तोत्र में बहुत सुंदर सुंदर श्लोक आते हैं, यहाँ पर कुलशेखर महाराज कहते हैं, जिह्वे कीर्तय केशवम मुररिपुम, जिह्वे कीर्तय केशवम मुररिपुम, बहुत सुंदर श्लोक है, पता नहीं कैसे मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। पाणी द्वंद समर्चया च्युत कथा रुद्रद्वयं त्वं शृणु पुरुष जिह्वे कीर्तय केशवम मुररिपुम। हाँ, इस प्रकार से है वो श्लोक, जिह्वे कीर्तय केशवम मुररिपुम चेतो भज श्रीधर पाणी द्वंद्व समर्चया च्युत कथा श्रोत्रद्वय त्वं शृणु कृष्णम लोकय लोचनद्वय हरेर्गच्छांग्रि युगमालयम् शीघ्र घ्राण मुकुंद पाद तुलसी मूर्धन्य दोक्षजम्। अर्थात वे कहते हैं, जिह्वे कीर्तय केशव, हे जिह्वा आप भगवान कृष्ण का कीर्तन करो, फिर मुररिपुम चेतो भज श्रीधरम, और हे मन आप क्या करो, आप मुरारी का ध्यान करो और श्रीधर श्रोत्र द्वयम त्वम सुनो, दोनों कानों आप क्या करो, श्रीधर की लीला सुनो, श्रोत्र द्वयम त्वम सुनम पाणी द्वंद्व समर्चया चित कथा, और ये दोनों हाथों आप क्या करो, भगवान के अर्च विग्रह की सेवा करो, अर्चना कर दो। पाणी द्वंद्व समर्चया चित कथा, तो इस प्रकार से अलग अलग इंद्रियों को बोलते हैं, जिह्वे कीर्तय केशवम मुररिपुम चेतो भज श्रीधरम पाणी द्वंद्व समर्चया चित कथा श्रोत्रम द्वयम त्वं शृणु कृष्णम लोकय लोचनद्वय, हे मेरे दो नेत्रों के भगवान के दर्शन को, भगवान के रूप को निहारो। ऐसा आप अगर आज ऑनलाइन दर्शन लेंगे हमारे श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान को, बड़े अर्च विग्रह को सुंदरता से चंदन लगाया है, तो अपने आंखों की शुद्धता है कि हम भगवान के रूप को निहारे। कृष्णम लोकय लोचनद्वयम् हरेर्गच्छांग्रि युग्मालयम्, और हे दो पैरों आप भगवान के मंदिर में जाओ। तो ठीक है, कोरोना के कारण आप मंदिर तो नहीं आ सकते हैं, मगर मन के द्वारा आ सकते हैं, मानसिक स्तर पे मंदिर में आ जाइए, है कि नहीं। इस प्रकार से सारी इंद्रियों को हमें भगवान की सेवा में लगाना, जिससे हमारा मन, हमारी इंद्रिय और हमारी बुद्धि
भगवान के चरण कमल में स्थित होगी। तो आप में से किसी भक्त को अगर कुछ प्रश्न है तो अभी प्रश्न पूछ सकते हैं। कोई एक प्रश्न का उत्तर देने का हम यहाँ पर प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु दंडवत प्रणाम गुरु जी। जी थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल क्लास। मेरा एक प्रश्न था, जैसे आपने बताया कि हम भक्ति में आने के बाद भक्तों के साथ फ्रेंडशिप बढ़ने से फिर वो एक इजीनेस आ जाता है रिलेशनशिप में, और फिर हम अपराध करना शुरू कर देते हैं। तो ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी है मेरा खुद का कि ऐसा होता है एक्चुअली, हमें जो भक्तों में कमियां दिखना शुरू हो जाती है, तो उससे हमें कैसे बचा बचा बच सकते हैं। बहुत सुंदर प्रश्न पूछा आपने, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। तो इससे हम कैसे बचे, तो इसलिए बहुत अच्छा चीज है, ये मैं परम पूज्य भक्ति विद्यापूर्ण स्वामी महाराज से ही सुना हूँ। वे बोलते हैं दोष देखना जो है ये बहुत अच्छा गुण है, दोष देखना जो है ये बहुत अच्छा गुण है। अगर आप में से जो लोगों ने इंजीनियरिंग की है या मैथमेटिक्स भी किया होगा तो आपको वेक्टर्स पता होंगे, है कि नहीं? मुझे लगता है 12वीं के भी 12th साइंस में भी हमें वेक्टर्स थे शायद, अभी पूरा याद नहीं आ रहा है, 20 साल हो गया उसे करके। तो वेक्टर यानी क्या, एक दिशा होती है उसको। तो दोष देखने की जो हमारी दिशा है, जैसे सरल शब्दों में कहा जाए तो जब हम किसी को दोष दुखाते हैं तो क्या करते हैं, एक उंगली उसकी तरफ रखते हैं, अगर उसी समय 3 उंगलियां हमारी तरफ होती है कि नहीं? तो वे कहते हैं परम पूज्य भक्ति विद्यापूर्ण महाराज, दोष देखने की सेवा बड़ी सुंदर है, केवल दूसरों के प्रति दोष देखने के बजाय हम अपने खुद के प्रति दोष देखना शुरू करें। तो ये एक बहुत अच्छा अभ्यास है कि हम हमेशा अपने खुद में ज्यादा दोष देखें, है कि नहीं? इस प्रकार से ऐसा अभ्यास करेंगे तो हमें दूसरों के दोष देखना कम हो जाएगा। दूसरा चीज है ये देखिए, चाहे हमारे से कोई भक्त अच्छा व्यवहार करे या बुरा व्यवहार करे, भगवान जब तक उनको अनुमति नहीं देते हैं हमसे अच्छा या बुरा व्यवहार करने के लिए, तो वो व्यवहार नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हमारे साथ जो भी अच्छा या बुरा व्यवहार होता है इसे हमने भगवान की कृपा समझना चाहिए, और उसमें ये प्रयास करना चाहिए कि मेरे साथ अगर कोई अच्छा या बुरा व्यवहार करता है तो उसके माध्यम से उस भक्त को अपनी कृपा का माध्यम बनाकर भगवान मुझे क्या सिखाना चाहते हैं, ये बड़ा आवश्यक है। ये एक अच्छा क्या बोलेंगे, तरीका है जिससे हम भक्तों में दोष नहीं देखेंगे। दूसरा चीज आप देखिए, हम जब भक्तों के समाज में रहते हैं तो हम बड़े दुखी हो जाते हैं या दोष देखने लगते हैं, निंदा करने लगते हैं, मगर देखिए कभी कभी हमें अपने नौकरी के लिए या परिवार के कार्यों के लिए या कुछ सामाजिक कार्यों के लिए ऐसी परिस्थिति में चले जाते हैं हम लोग कि जहाँ पर इतने सारे दिनों के लिए हमें भक्तों का चेहरा भी नहीं दिखाई देता, है कि नहीं? तब फिर भक्तों का महत्व पता चलता है। इसीलिए हमें ये जरूर जानना चाहिए कि भक्तों का संग बड़ा दुर्लभ है और हमारे जीवन में भक्तों का बहुत बड़ा महात्म्य है। परम पूज्य भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज, उन्होंने कुछ बहुत सुंदर सुंदर ग्रंथ लिखे, वो बड़े ही प्रसिद्ध लेखक थे। उन्होंने एक साधक भक्त के लिए भी कुछ बहुत अच्छे पुस्तकें भी लिखे, जो बेगर नाम की इंग्लिश में बड़ी प्रसिद्ध सीरीज है। ये बेगर बुक्स आपको भक्ति वेदांत वेदा बेस फोलियो में भी मिलेगा, और उनके कुछ सुंदर प्रवचन भी हैं। वे कहते हैं कभी भी किसी भी भक्तों के साथ अगर हमारी गलत फहमी या मन मुटाव हो गया तो सबसे पहले हमें ये तत्व हमारे आंखों के सामने आना चाहिए कि हम दोनों में अगर कुछ मन मुटाव या गलत फहमी या झगड़ा हो गया है तो उसका मेन कारण मैं ही हूं,
ठीक है, ये बोलने का नहीं, शायद बोलने की इतनी हिम्मत नहीं होगी हमें, और आर्टिफिशियली बोल भी नहीं सकते, मगर कम से कम ये भावना हृदय में रखनी चाहिए, जो भी कुछ गलत हुआ है उसका मेन कारण, मेन सोर्स मैं ही हूँ। इस प्रकार से जब हम अपने आप को दोष ढूंढने के लिए उत्सुक रहेंगे तो हमारी भक्ति में बड़ी प्रगति होगी। मगर ऐसा जब हम कभी भी कुछ चर्चा करते हैं, ज्यादातर भक्तों को यह अनुभव होता है कि ऐसा करेंगे तो हम डिप्रेशन में चले जाएंगे, है कि नहीं? हम तो पागल हो जाएंगे, इंफेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कि किसी के भी साथ कुछ भी हो गया तो दोष मेरा ही है। फिर बाहर के लोग भी हमें फंसा सकते हैं, है कि नहीं? ये भी प्रश्न उठेगा। तो ये बड़ा मैच्योरिटी का विषय है। कभी कभी हम कुछ भक्तों के साथ व्यवहार करते हैं और हमें दिखता है कि नहीं, ये आउट एंड आउट है, कि मेरा इसमें गलती था ही नहीं, गलती तो सामने वाले भक्त का ही था। तो ठीक है, अगर सामने वाले भक्ति का भी गलती है तो उसमें हमने क्या सीख लेना चाहिए कि भगवान मुझे अवसर दे रहे हैं क्षमा करने के लिए। अगर दूसरे का गलती है तो परम पूज्य राधानाथ महाराज उनके प्रवचन में कहते हैं कि वैष्णव समाज में कि कौन गलत है और कौन सही है ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट दैट हु इज राइट एंड हु इज रॉन्ग, बट वैष्णविज्म इज गोइंग बियॉन्ड द राइट। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि किसका गलती है और कौन सही है ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, मगर सही परे जाके जो ऊपर के स्तर का सही है वो हमने पालन करना चाहिए। इसका अर्थ क्या है कि अगर किसी का गलती भी है तो उसे वो एहसास दिलाकर उसका अपमान नहीं करना है, उसमें दोष नहीं देखने हैं, मगर उसको क्षमा करना है, उसे माफ करना है, इस प्रकार से। तो ये ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं कि देखिए भक्तों का संग कितना दुर्लभ होता है, इसलिए भक्त के संग को हमने इतना आसानी से नहीं लेना चाहिए। ऐसे कुछ प्रसंग हम याद कर सकते हैं कि जब भक्तों के बाहर हम चले गए कुछ कारणवश, बहुत सारे दिनों के लिए भक्तों के संग में नहीं रहे, तो हमें रोज का हमारा जप करना भी बहुत बड़ा फाइट हो जाता है कि नहीं? इसलिए भक्त बड़े महान हैं। और परम पूज्य भक्ति तीर्थ महाराज और एक चीज बताते हैं कि वो बोलते हैं, अगर आप किसी भी भक्त के साथ शत्रुता मत रखिए, शत्रुता के भाव अपने मन में मत रखिए। क्यों? क्योंकि वे कहते हैं हो सकता है जिस भक्तों को आप अपना शत्रु समझ रहे हो, अगर कल जाके अगर हमारा मृत्यु का समय आ गया, हो सकता है कि वही भक्त हमारे लिए हरे कृष्णा का कीर्तन गाएगा। इसीलिए भक्त के साथ चाहे कितना भी हमारा जम रहा हो, नया नहीं जम रहा हो, कम से कम हमने भक्तों के समाज में किसी को शत्रु नहीं मानना चाहिए। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, वेरी प्रैक्टिकल प्रभु, थैंक यू थैंक सो यू। हरे मच। कृष्णा। यस थैंक यू अंकित प्रभु। हरे कृष्णा। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की जय। श्री चलिए, वाल्मीकि ऋषि की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निराय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।